21 अगस्त 2020 को 28 सप्ताह के गर्भ अवस्था में एमनोइटिक फ्लूइड लीकेज होने का कारण केसांग का सर्जरी डिलीवरी करना पड़ा। उस टाइम उसका वजन केवल 1 kg 440 ग्राम था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसको तुरंत ऑक्सीजन के साथ निकू में शिफ्ट करके सीपैप मशीन के साथ जोड़ दिया। उसको एपनिया हो रहा था, जो एक गंभीर नींद विकार है जिसमें सांस बार बार रुक जाती है और शुरू हो जाती है, जिसका नतीजा ब्रेन में ऑक्सीजन के प्रभाव कम बनता है, जो सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। फीडिंग का बात करें तो पहली बार 1 ml के साथ उसे नाक की नली के माध्यम से खिलाया। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते हुए 8 दिन के बाद 7 ml चम्मच से खाने लगा। फीडिंग तो अच्छा चल रहा था, लेकिन एपनिया 24 घंटे के भीतर 3 से 8 सेकेंड के लिए एक या दो बार दिख रहा था। धीरे धीरे दिन कटते गए, किसान का स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था। लगभग 1 महीना बाद उसमें एपनिया दिखना छोड़ गया था, तो डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन के बिना अवलोकन कक्ष में शिफ्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वो पिक्कू में शिफ्ट हुए 15 मिनट हो चुका था, तब उसे भयानक सा कन्वल्जन हुआ। ये कन्वल्जन 2 घंटे से भी अधिक समय तक हुआ और इसका प्रभाव उसमें 2 दिन तक रहा। कन्वल्जन शरीर की अचानक हिंसक अनियमित गति है, जो मांसपेशियों के अनैच्छिक संकुचन के कारण होती है और विशेष रूप से मस्तिष्क विकारों से जुड़ी होती है। आखिरकार 39 दिन निकू में बिताने के बाद केसांग को स्वस्थ हालत में अस्पताल से छुट्टी मिल गया। मेडिकल साइंस के अनुसार प्रीतम बेबी फुलटम बेबी की तुलना में कम होशियार होती है, इसलिए अगले वीडियो में केसांग को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद का शारीरिक स्थिति और गतिविधियों के बारे में दिखाएंगे। थैंक यू। तो उसको ट्यूशन